आ चूंटणीमां गृहमंत्री अमित शाह पण ताबड़तोब रेली करी रह्या छे, त्यारे पश्चिम बंगाळना हुगलीमां आजे अमित शाह पहोंच्या, ज्यां रेलीने संबोधित करता टीएमसी अने एनडी गठबंधन पर प्रहार कर्या। अमित शाहे कह्युं के 70 वर्षथी कोंग्रेस सहितनी सरकारोए राम मंदिरने लटकावी भटकावी राख्यू, परंतु मोदीजी पीएम बनता राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा थई। अमित शाहे कह्युं के राहुल गांधी, ममता बेनर्जी सहितना नेताओए राम मंदिरनुं आमंत्रण पण ठुकराव्युं अने तेनुं कारण छे तेमनी वोट बैंक। 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। बंगाल वालों ने 18 सीटें दे दी, मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक पांच ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बैनर्जी भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना, मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे भाई ठीक से नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं। उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है, घुसपैठिए इनकी वोट।